स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में बता रहा था। लेक्चर सेकंड है आपका, चैप्टर फर्स्ट मोशन है, साइंस नाइन्थ क्लास। तो बेटा डिस्टेंस, इसको हम अब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था एक्चुअल पाथ कबड़बाई यानी ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो बेटा जैसे सपोज दैट एक मैंने मीटर स्केल लिया, इसको मैंने नापना शुरू किया, यहाँ से पॉइंट ए से नापना शुरू किया, नापते नापते इसको यहाँ से पूरा नाप करके मैंने पूरा फिक्स किया, सपोज दैट 20 किलोमीटर। तो ये जो बेटा रियल पाथ को मैंने क्या किया, मेजर किया है मीटर स्केल से, मेजर करके इसको मैंने कितना बोला 20 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर। अब बेटा हम आपको बताएंगे किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब कम से कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो बेटा जो कम से कम दूरी होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, जो सबसे कम दूरी होती है वही क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच का, मान लो एक पॉइंट ए है ये है, दो पॉइंट बी है ये, दूसरा पॉइंट बी है, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जो हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दें, क्या होगा ये मिनिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का। लेकिन थोड़ा सा भी कर्वेचर कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ पाथ बढ़ जाएगा। इसको भी हल्का सा कर्वेचर करेंगे तो इसका पाथ क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो मिनिमम डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मिनिमम डिस्टेंस। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा मान लो फाइनल इनिशियल पोजीशन इस बॉडी का क्या है, कोई भी ऑब्जर्वर का या कोई भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या था, ए था, ये ऐसे 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 मूव करके कहाँ पे पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो इसका फाइनल पोजीशन क्या हुआ, ये मान लो आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका क्या है बेटा, मान लो फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये क्या कहलाएगा बेटा, कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और इसका डायरेक्शन आपका इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दिया दोनों के बीच में, ये क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया बॉडी, डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। का मतलब व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रेट लाइन होती है, दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ ही तो है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर होता है। तो बेटा अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एक न्यूमेरिकल लगा के देखेंगे। आपको सबको पता है ऊपर की डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, जस्ट इसके नीचे क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, सपोज दैट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये मान लो है आपका डायरेक्शन है, समझ में आ गया। तो मैंने अब ले लिया कि एक बॉडी ए पोजीशन से स्टार्ट की चलना, यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँचा, यहाँ से चलने के बाद वो नॉर्थ डायरेक्ट मतलब ईस्ट से किधर चला, वेस्ट डायरेक्शन में कितना किलोमीटर चला, मान लो 2 किलोमीटर चला है। उसके बाद कहाँ पे पहुँच गया बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, कितना चला मान लो,
एक किलोमीटर चला, कहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट बी पे पहुँच गया। तो आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्या होगा टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जर्व। एक्चुअल पाथ क्या होगा, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो एक्चुअल में चले ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे, उसका डेफिनेशन भी यही होता है। तो पॉइंट ए से यहाँ तक चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद कहाँ पे चला, एक्चुअल में, रियल में, यहाँ से यहाँ तक चला, मीन्स 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, 2 + 1 इक्वल टू कितना, 3 किलोमीटर। क्या हो गया बेटा इसका डिस्टेंस, 3 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है यूनिट है लेंथ का, तो 3 किलोमीटर क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया। अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड स्ट्रेट लाइन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम किसी तरह ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आपको ये पता है, ये आपको x है, सपोज ये y है, तो आपको इसको हाइपोटेन्यूज करना है, कैसे प्राप्त करेंगे, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही 2 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर इसको हम ए बी, डिस्प्लेसमेंट मीन्स ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज रूट ऑफ 5 किलोमीटर। किस डायरेक्शन, क्योंकि अब क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट 5 किलोमीटर हो गया, इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट एंड नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन मैंने इसको दे दिया। तो ऐसे हम आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गया बेटा। अब मैं आपको इसके बाद जो है एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट पे और चलते 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 फिर यहीं पे पहुँच गया। तो मैं पूछूँ आपसे डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस मैंने मीटर स्केल से मैंने ले लिया, यहाँ से इसको पूरा नापते हुए मैंने कितना ले लिया, 20 किलोमीटर, इसको मीटर स्केल से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 20 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ले लिया मान लो डिस्टेंस। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पे आके क्या हो गया, रुक भी गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। तो एक चीज़ समझ में आया, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये बात बेटा आप लोग अच्छे से नोट कर लो, मीन्स डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बेटा, थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।